नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पतंग यादव कह रहा है सुप्रभात। अजय कुमार भाई राम राम। बहुत सारे विद्यार्थी आ गए हैं ना। हेमंत यादव, अमन शर्मा गुड मॉर्निंग भाई। होशियार अमन, सचिन, अंकित, प्रवीण, तुषार गुड मॉर्निंग भाई। तेजपाल, मोहित, हैप्पी, अभय, आरती। ठीक है भाई, बहुत सारे विद्यार्थी आ गए हैं। देखो अब हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 बार ये बता दो कि आवाज सबके पास सही आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। आवाज सही आ रही है सभी के पास? चलो भाई क्लास करते हैं स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला सवाल, देखो एक्सरसाइज हमारी 4.2 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एल एम 2 और 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये आपको एक डिटरमाइनेंट, एक सारणी दी गई है और इस सारणी का मान क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो हमें कहा गया है कि L अनुपात M का मान ज्ञात करके बताओ। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं 4.1 में, यदि याद हो तो उसमें हमसे X अनुपात Y का मान पूछा था। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे। देखो ये एक सारणी है भाई और इस सारणी का मान 0 दे रखा है, तो हमें इस सारणी का मान निकालना है। मान निकालोगे, मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी भज्य गुणा से। तो L का गुणा 3 से करोगे तो क्या जाएगा, 3L, फिर बीच में क्या लगाते हैं हम, माइनस लगाते हैं भाई, और फिर M का गुणा 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2M, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू दिया गया है 0। 2 गुणा 2 की यदि सारणी कर जाए तो उसका मान कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3L, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2M इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हमें L अनुपात M चाहिए तो क्या करना है हमें, देखो ये 3L है, इस 3L को इधर रहने दो। ऐसा करो, इसको पक्षांतर करके हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस का 2M है। जब इसको उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 2M हो जाएगा। देखो अनुपात का मतलब मैं कह सकता हूं कि सर हमें L अपॉन M का मान निकालना है भाई। L अनुपात M को मैं L बटे M लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, तो मैंने यही तो किया है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो इधर भी कोशिश करो कि L अपॉन M आ जाए। तो देखो ये जो M है ना, इसको तो आप इधर लिख दो, ये 2 के मल्टीप्लाई में है इधर भेजोगे तो भाग में आ जाएगा, और ये 3 गुणा में है इधर, इसको दूसरी साइड भेजोगे तो ये भाग में चला जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर n अपॉन में, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो गया n इज इक्वल, इधर 2 आपके पास है, फिर अपॉन में, इसको इधर भेजोगे तो ये भाग में चला जाएगा। हमें अनुपात के रूप में लिखना है, तो जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो l अनुपात m, भाई इनको अनुपात में लिख दिया तो इज इक्वल टू, इनको भी अनुपात के रूप में लिख दो तो क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 3, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है, एक सारणी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो, ये तो सिंपल सा था, पहले भी हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन
इसको नंबर दो ये कह रहा है कि एक सारणिक दी गई है, एक सारणिक दी गई है 2, 3, 4 के, दूसरी पंक्ति इसकी दी गई है 3, 6, 5 3, 6, 5 और उसके बाद इसकी जो तीसरी पंक्ति दी गई है वो 1, 8 और 9। क्वेश्चन हमारा ये है कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों की सारणिक ज्ञात कीजिए, यानी R2 के जो अवयव हैं उसकी हमें उपसारणिक ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है हमें? उपसारणिक निकालनी है। 4.1 में हमने सिखाया था दीपक भाई रामलाल, 4.1 में हमने क्या पढ़ा था? एक तो उपसारणिक का मान निकालना और एक हमने इसके साथ पढ़ा था सहखंड निकालना। ये दो चीज हमने पढ़ी थी कि उपसारणिक और सहखंड दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सहखंड के अंदर प्लस माइनस आता है, यानी इसके अंदर हमें प्लस माइनस सारणिक के बाहर लगाना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो सहखंड में याद रखना प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस कैसे करोगे? जो हम यहाँ पे लिखते हैं AIZ, इन दोनों को जोड़ने पर यदि सम संख्या आती है तो प्लस और विषम संख्या आती है तो माइनस। ठीक है, चलो R2 यानी पंक्ति नंबर दो, किसकी बात? R2 का मतलब क्या है भाई? द्वितीय पंक्ति। तो द्वितीय पंक्ति यही तो है, यानी इस पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक निकालनी है। जो दूसरी पंक्ति है उसके जो अवयव है उनकी उपसारणिक निकालनी, बाकी सबकी निकालने के लिए कहा है। हमें सिर्फ क्या कहा गया है कि भाई आप दूसरी पंक्ति है उसका मान निकालो। तो दूसरी पंक्ति देखो, ये R1 है, ये पूरी लाइन पहली पंक्ति, ये कौन सी है भाई? ये R2 है दूसरी पंक्ति, और ये कौन सी है? ये है R3 यानी तीसरी पंक्ति। हमें दूसरी पंक्ति के लिए बोला गया है तो ये दूसरी पंक्ति है, इसके अवयव जो है उसकी उपसारणिक निकालनी है। और जो दूसरी पंक्ति है मोहित कुमार कह रहे हैं कि सर आवाज धीरे आ रही है। चलो भाई आवाज धीरे आ रही है तो इसको सही कर देते हैं। मोहित कुमार अब बताना भाई आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, तो देखो हमें दूसरी पंक्ति है उसके उपसारणिक निकालने हैं, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है, इसका मतलब हमें इस अवयव की उपसारणिक निकालनी है, इस अवयव की उपसारणिक निकालनी है और इस अवयव की उपसारणिक निकालनी है। जो ये तीन अवयव है इनकी हमें क्या निकालनी है? उपसारणिक निकालनी है। देखो यदि हम इसकी बात करें तो ये कौन सा अवयव होता है भाई? देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, तीसरी पंक्ति A31, A32, A33। तो दूसरी पंक्ति में कौन कौन से अवयव आते हैं? सर A21 आता है, A22 आता है, A23 आता है। तो हम कह सकते हैं कि सर हमें A21 की उपसारणिक निकालनी है। किसकी क्या निकालनी है? उपसारणिक। हम A21 की उपसारणिक की क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट कह रखा है कि जो आपकी दूसरी पंक्ति है उसी के अवयव की उपसारणिक निकालनी है। ठीक है, तो A21 की उपसारणिक मैंने बताया था कि जो उपसारणिक है उसको माइनस बोला जाता है इंग्लिश में, और इसलिए हम M21 लिख देंगे। M21 का मतलब है A21 जो एलिमेंट है उसकी उपसारणिक हम निकाल रहे हैं। मोहित कुमार भाई अब तो बता आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? M21, ठीक है, M21 एक छोटी सारणी बनाओ, जिस भी अवयव की उपसारणिक आपको निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके
के कॉलम को हटाते। अगर हम सेकंड निकालते तो सबसे पहले बाहर प्लस माइनस लगाते, लेकिन उपसारणिक में हम बाहर प्लस माइनस नहीं लगाते। अभिषेक बहुत लेट चल रहा है भाई, गुड मॉर्निंग। अमन शर्मा कह रहा है कि यस सर धीरे ही है, तो भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, ईयरफोन लगा लो आज तक। चलो देखो, ए किसकी उपसारणिक इज इक्वल टू एम टू वन इज इक्वल, ठीक है, यही तो है। इस अवयव की उपसारणिक निकालनी है, जिस भी अवयव की उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके स्तंभ को हटा दो। मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, जैसे इन दोनों को हटा दोगे तो 3 4 8 9 बच जाएगा, यानी 3 4 8 9, ये इसकी उपसारणिक है। यदि हमें इसका मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये हो गया 27, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 32 हो जाएगा। 27 माइनस, एक तो माइनस का बचेगा, यानी माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद हमें a 22 की उपसारणिक, यानी इस अवयव की भी उपसारणिक निकालनी है, a 22 की उपसारणिक। तो देखो भाई, उपसारणिक की बात करें तो m 22 एक सारणिक बनाओगे, क्योंकि उपसारणिक में बाहर प्लस माइनस को। अब इसे कह रहा है कि सर वॉइस थोड़ा कम, सही आ रही है। चलो भाई आज एडजस्ट कर लो, मैंने एक नई सेटिंग की थी उसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कर इसको सुधार लेंगे, है ना। क्लास थोड़ी कम कर देंगे आज। ए 22 की उपसारणिक हो गया एम 22, फिर मैंने एक मोड लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस अवयव की उपसारणिक निकालना है, जिस भी अवयव की उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कोलम को। देखो पंक्ति ये, इसको हटा दो, इसका कोलम क्या होगा, ये मतलब इसको, तो इसको हटा दोगे तो 2 4 1 9 बच जाएगा। यहाँ लिखोगे 2 4 1 फिर 9, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 का 2 के साथ करोगे 18, फिर माइनस इसके साथ करोगे जीको बल टू इतना आ गया 14। एक बार हम चेक कर लेता हूँ, वो इसके आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लोगे ना। ए 22 की उपसारणिक हो गई क्या, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस अवयव की उपसारणिक हो गई, इस अवयव की उपसारणिक हो गई, अब हमें इस अवयव की उपसारणिक निकालनी है, इसका मतलब ए 23 की उपसारणिक। ये हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, m23 एक सारणिक बनाओगे, जिस भी एलिमेंट की सारणिक निकालनी है उसको हटाओ, इसको हटाओ, इसकी पंक्ति, इसकी कोलम को हटाओ, 2 3 1 8 हो जाएगा, यानी 2 3 1 8। ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि उपसारणिक कैसे निकालते हैं, ये फिर से क्वेश्चन आ गया तो मैंने रिविजन के तौर पर करवा दिया। जिसको ये नहीं आता है वो पिछले से पिछले वीडियो देखे, पार्ट नंबर 43 देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 16 माइनस 3, यानी 30, यही आपका क्या आ गया आंसर। क्योंकि हमें सभी का नहीं निकालना, क्वेश्चन में स्पष्ट कह रखा है कि जो आपकी द्वितीय पंक्ति है, सेकंड पंक्ति है, उसी की आपको उपसारणिक निकालना है। सर रूम से आवाज टकरा कर आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी से मेरे भाई, मैंने लैपटॉप में चलाया था वो तो ठीक चल रही थी, बाकी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ।
अब देखना भाई, अरे एक बार आप बताओ अब आवाज सही आ रही है? अभिषेक मेरे भाई अब बता, सही है सर, अब तो सही आ रही है ना सभी के पास आवाज? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर इससे पहले मैंने दो क्वेश्चन कराए इसमें आवाज कम भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ सर अब बढ़िया आ रही है, ठीक है तो भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखो क्या कह रहा है। एक सारणिक दी गई, ठीक है, ये एक सारणिक है, इसके अंदर लिखा गया है 13, फिर 16, फिर 19, फिर है 14, 17, 20, 17, फिर है 20, और फिर है 15, 18, 21, यानी 15, 18 और 21। हमें कहा गया है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। हमें कहा गया है कि जो ये सारणिक है इसका हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या आएगा। तो भाई ध्यान देना, एक बार ध्यान देना। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो भाई। पहला तरीका तो ये है कि R1 के अनुसार प्रसार कर दो, R2 के अनुसार प्रसार कर दो, R3 के अनुसार प्रसार कर दो, यानी किसी के अकॉर्डिंग भी आप प्रसार करके इसका मान निकाल सकते हो भाई। पहली बात तो ये, ठीक है भाई। लेकिन मैं अब आपको दूसरा तरीका सिखाऊंगा भाई। पहले आपने पढ़ लिया कि सर R1 के अनुसार प्रसार करोगे तो इसका मान आएगा, R2 के अनुसार करोगे तो भी इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन आएगा सभी में एक ही आएगा। अब हमें नया सीखना है, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी प्रॉपर्टी का उपयोग करना आना चाहिए, और उसके अंदर से दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूं। एक प्रॉपर्टी तो ये कि एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है, सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है, एक प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी कि यदि बाहर कोई अवयव है तो वो एक ही पंक्ति से मल्टीप्लाई होगी या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगी भाई, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात समझना भाई, डायरेक्ट आप प्रसार करके इसका मान निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं अब सिखा रहा हूं ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे प्रूव करने वाले आएंगे, सिद्ध करने वाले आएंगे, और सिद्ध करने वाले में आपको प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है। देखो कैसे, देखो यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने तो ये ध्यान दिया है कि सर यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं, 16 में से मैं 13 घटाऊंगा तो 3 आएगा मेरे पास, 17 में से 14 घटाऊंगा तो सर 3 आएगा मेरे पास, 18 में से 15 घटाऊंगा तो सर 3 आएगा मेरे पास। बताओ ये बात समझ में आ गई कि भाई 16 में से 13 घटाओगे 3 आ रहा है सर, 17 में से 14 घटाओगे सर 3 आ रहा है, 18 में से 15 घटाओगे सर 3 आ रहा है। मतलब करना क्या चाह रहा हूं मैं, ये करना चाह रहा हूं कि सर मैं कॉलम, ये देखो ये कॉलम ही तो है भाई, ये ऐसे है इसकी बात कर रहा हूं, तो ये कॉलम ही तो है। कौन सा कॉलम है सर? दूसरा कॉलम है। दूसरे कॉलम में से यदि मैं पहला कॉलम घटाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं दूसरी कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटाऊंगा भाई, कर सकते हो, सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इसका मान 50 है तो घटाने के बाद भी 50 ही आएगा, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी भाई, ठीक है। तो कॉलम सेकंड माइनस में कॉलम फर्स्ट, ऐसा मैं कर रहा हूं। तो आगे याद रखना एक तीर का निशान लगाओगे, क्या लगाओगे, जैसे आपने ये तो देख लिया कि सर कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को घटाना है, मैंने भी लिख दिया आगे तीर। अगर आप घटाना चाह रहे हो तो याद रखना यहां पे आपने क्या लिखा है, C2, वही यहां पे लिखोगे आप C2। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं, कॉलम सेकंड को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को घटा रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हो? कॉलम सेकंड को।
कैसे चेंज कर रहे हो? सर कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट घटा रहे हैं हम। वेरी गुड भाई, घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, अच्छा कॉलम सेकंड को चेंज कर रहे हो तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड तो सेम रहेंगे ना? बिल्कुल। तो फर्स्ट लिखो भाई तेरह, उसके बाद 14 और फिर है 15। यहाँ की बात करें तो हमारे पास है देखो 19, फिर है 20 और फिर है 21। ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम थर्ड है, कॉलम सेकंड की जगह कुछ नहीं लिखा है। अब लिखूंगा मैं, क्या लिखना चाहूंगा मैं कि भाई 16 में से 13 घटाओ, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट घटाना है। 16 में से 13 घटाओगे 3 आ गया सर, 17 में से 14 घटा दो सर 3 आ गया, 18 में से 15 घटा दो सर 3 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, नहीं है ना? चलो, अगर इसका मान 50 आएगा तो याद रखना इसका मान भी 50 आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, कल हमने प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी, एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ दो घटा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक कॉलम में से दूसरा कॉलम जोड़ दो चाहे घटा दो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने घटाया, कोई बदलाव नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अब मैं और क्या करना चाह रहा हूँ और देख लो भाई, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बात तो आपको सीखनी ही पड़ेगी भाई। देखो फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी बड़ा आएगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सर 19 में से जब 13 घटाऊंगा तो सर 6 आएगा, 20 में से सर जब आप 14 घटा दोगे तो सर तब भी 6 ही आएगा, सर 21 में से 15 घटाओगे तब भी सर 6 ही आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि सर ये कॉलम थर्ड है, ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम है, और इसमें से मैं कौन सा घटाना चाह रहा हूँ? कॉलम फर्स्ट घटाना चाह रहा हूँ, तो कॉलम थर्ड माइनस में कॉलम फर्स्ट, आगे क्या लगाओगे? एक तीर का निशान। क्या लिखा है यहाँ पे? कॉलम थ्री, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो? कॉलम थ्री लिख दो भाई। इसका मतलब कॉलम थ्री को चेंज करना है, कॉलम थ्री में से कॉलम फर्स्ट को घटा के लिखना है, एक सारणिक बनाओ। चेंज किसको करना है? चेंज आपको करना है कॉलम थ्री को, तो बाकी कॉलम फर्स्ट और कॉलम जो सेकंड है ये सेम रहेगा भाई, यानी 13, 14 और 15। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, ठीक है, ऐसा ही तो है भाई। यहाँ पे देखते हैं क्या बचेगा, कॉलम थर्ड को चेंज करना है, कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट घटा के लिखो, कॉलम थर्ड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, घटा के लिख दो भाई। 19 में से 13 घटाओ 6 आ गया, 20 में से 14 घटाओ 6 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई, देखो इस सारणिक का मान 50 है तो इसका मान भी 50 आएगा और इसका मान भी 50 ही आएगा, याद रखना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। फिर से देखो और क्या कर सकते हो, मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है सर, क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये जो 6 6 6 है, मैं इसके अंदर से दो कॉमन लेना चाह रहा हूँ भाई। देखो 6 में से दो कॉमन आ जाएगा, 6 में से दो कॉमन आ जाएगा, 6 में से दो कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, लेकिन मैं सर नहीं लूँगा, मेरे को तो यहीं से दो ही कॉमन लेना है, तो मैं क्या लिखूँगा? ये कौन सी पंक्ति, ये कौन सा कॉलम है? तीसरा कॉलम, तो यहाँ लिखूँगा कॉलम 3 में से दो उभयनिष्ठ लेने पर, दो उभयनिष्ठ लेने पर, इसका मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? कॉमन भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, जब आप उभयनिष्ठ लोगे कॉमन लोगे तो देखो आपके पास क्या आने वाला है, ये सारणिक है, यहां पे रहेगा 13, 14, 15, यहां पे है 3, यहां 3, यहां 3, इस 6 के अंदर से आप दो कॉमन ले रहे हो, तो ये लो दो आपने कॉमन लिया तो बाहर लिख दिया, बाकी क्या बच गया? यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, ठीक है भाई। अरे ये इस तरीके से कर सकते हो भाई, आप डायरेक्ट प्रसार करोगे तब भी वैल्यू वही आएगी, लेकिन ये तरीका तो सीखना ही पड़ेगा, कॉलम 3 में से दो उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, जैसे ही कॉमन लिया
तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन। पहले कल मैं बता चुका हूँ कि सारणिक के अंदर एक पंक्ति के अंदर से, एक कॉलम के अंदर से कॉमन आता है भाई, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर सभी अवयव के अंदर यदि कॉमन आएगा तभी कॉमन आएगा, ठीक है। ऐसा अब आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? ये दिखाई दे रहा है कि कॉलम सेकंड और कॉलम जो थर्ड है ना, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है सर, ये दोनों बराबर हैं। और जब कल मैंने बताया था यदि कोई भी दो पंक्ति, कोई भी दो कॉलम सर्वसम है यानी बिल्कुल समान है तो उस सारणिक का मान क्या होगा? जीरो। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूंगा कि सर इसकी वैल्यू क्या आई? जीरो। आपको डाउट है तो डायरेक्ट निकाल के देखना, वैल्यू जीरो आएगी। यहां से भी निकाल के देख लेना, जीरो आएगी। यहां से भी निकाल के देखना, जीरो आएगी। यहां से भी निकाल के देखना, जीरो आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये प्रॉपर्टी आपको सीखनी ही पड़ेगी। एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ भी सकते हो, एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में घटा भी सकते हो, दो कॉलम को आपस में जोड़ भी सकते हो, दो कॉलम को आपस में घटा भी सकते हो, सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। ये कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है, अभी और कराऊंगा, समझ में आ जाएगा भाई। हो गया ये? एक बार फटाफट बताओ, थोड़ा घना समझ में आया कि नहीं आया? महेश यादव नो पहले, हाँ साहिल, हाँ सर आगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये कोई फिक्स नहीं है कि कॉलम से थर्ड में से कॉलम फर्स्ट घटाओ, और सर हमने कॉलम फर्स्ट में से थर्ड घटा दिया तो क्या गलत हो गया? नहीं, मैं नहीं कह रहा गलत हो, गलत नहीं होगा। किसी में जोड़ देना, किसी को घटा देना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, तो आपको एक मुंहजबानी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ भाई, यदि आप दो स्तंभ को आपस में बदल दोगे तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही क्वेश्चन है। कल एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। संख्यात्मक मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं, ये गलत बोल रहे, कुछ नहीं भाई, चिन्ह बदलेगा है ना। दीपक यादव, संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन उसके चिन्ह बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल, अमन शर्मा ने कहा कि साइन चेंज हो जाएगा, सही बात है भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो फाइव बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पहले भी आ चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। ये भी बताऊंगा कि अब की बार कौन सा क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो ये समझो कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई। देखो ये है कि एक 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 एक, उसके बाद वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड, फिर जेड एक्स और फिर है एक्स वाई, फिर है y प्लस जेड, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। हमें कहा गया है कि आप सिद्ध करके बताओ कि इस सारणिक का जो मान आएगा, इस सारणिक का मान आएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, y माइनस जेड और z माइनस एक्स,
ठीक है भाई, हमें ये आंसर लेके आना है। मतलब क्या हुआ कि हम इसको लेके चलेंगे और जो हमारा आंसर है वो ये लेके आना है। हमें सारणिक का प्रसार नहीं करना है, मतलब इसको सोल्व करना है गुणधर्म से, प्रॉपर्टी से हमें इसको सोल्व करना है भाई। देखो तो इसका जो LHS पार्ट लेके चल रहा हूँ भाई, LHS पार्ट क्या है समझना भाई, एक 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 वाई जेड जेड एक्स एक्स माइनस वाई, एक्स वाई है भैया, एक्स वाई, फिर है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब मेरी बात को समझना भाई, एक गुणधर्म मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ जिसके बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उसको आप दो पंक्ति दो सारणिक में बदल सकते हो, लेकिन हमें दो सारणिक में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है भाई। चलो तो सर क्या करना है हमें, तो देखो भाई क्या करना है, हिंट बता रहा हूं, कुछ विशेष हिंट बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला नंबर हिंट, हिंट में आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि आपके पास कहीं ना कहीं जीरो आ रहा हो, क्या आ रहा हो, जीरो। सबसे पहले यही कोशिश करोगे कि एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ो चाहे घटाओ, कोशिश करो कि जीरो आ जाए। पहला टारगेट आपका यही रहेगा कि जितने आप जीरो ला सकते हो कोशिश करो कि जीरो आ जाए भाई, ठीक है। दूसरी कोशिश करोगे कि जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है उस आंसर को लाने की कोशिश करोगे भाई। सर आंसर लाने की कोशिश का मतलब क्या है, अभी समझाऊंगा क्या कोशिश है इसका मतलब, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा, जीरो लेके आना है। दूसरा टारगेट क्या रहेगा कि सर हमें आंसर लेके आना है भाई। तो समझना भाई, पहला टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं जीरो लेके आऊं भाई, पहला टारगेट क्या रहेगा कि मैं जीरो लेके आऊं। और जब भी आपके पास इस तरीके से एक 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 आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, अगर आपके पास एक 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 आ जाए तो आपको जीरो ला सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी जीरो लाने में। सर कैसे, मेरे को बताना भाई, इस एक में से एक घटा दूंगा तो बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही आपको लाइन समझनी है कि सर R1 में से यदि मैं R2, देखो ये R1 है और ये कौन सी है R2 है, इसमें से इसको घटा रहा हूं, अब कॉलम नहीं घटा रहा हूं, पंक्ति को घटा रहा हूं, R1 में से मैं R2 घटाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं मैं R1 में से R2 घटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां क्या लिखोगे, देखो R1 है ना, तो यहां लिखोगे R1 और एक तीर का निशान लगा दो। मतलब समझ में आ गया कि सर R1 को चेंज करना है, R1 में से R2 को घटा के लिखना है भाई। चलो लिखो, एक सारणिक बनाओ, लिखो भाई घटा के, एक में से एक घटाओगे सर जीरो आ गया, वाई जेड माइनस जेड एक्स, समझना भाई, वाई जेड और माइनस क्या आएगा जेड एक्स, जेड कॉमन लेके क्या मैं वाई माइनस एक्स लिख दूं, इन दोनों के अंदर से जेड कॉमन आ गया तो वाई माइनस एक्स, यानी यहां मेरे को लिखना पड़ेगा जेड वाई माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है भाई, इसमें से इसको घटाना यानी y प्लस जेड है, इसमें से z प्लस एक्स को घटाना है। तो देखो माइनस जेड और माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा भाई, ये दोनों कट गए तो आपके पास y माइनस एक्स आ गया, y माइनस एक्स, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत है, तो R1 को चेंज करना है, R1 में से R2 को घटा दिया, घटाने पर मेरे पास ही आ गया, बाकी R2 और R3 सेम रहेंगे, एक जेड एक्स जेड प्लस एक्स, एक एक्स वाई एक्स प्लस वाई। एक कंडीशन और आती है कि एक साथ दो संक्रिया कर सकते हो, कब कर सकते हो वो अभी मैं सिखाऊंगा भाई।
हो गया। बताओ ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई भाई, एक बार ये बता दो कि ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ। यस सर, चलो भाई आगे देखते हैं भाई। बताओ यहां पे जीरो आया कि नहीं आया, बताओ यहां पे भी मैं जीरो ला सकता हूं कि नहीं ला सकता, यहां पे भी मैं जीरो ला सकता हूं। सर कैसे लेके आओगे? अरे मेरे भाई R2 में से R3 को घटा देंगे, एक में से जैसे एक घटाओगे तो बताओ यहां पे भी जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि सर R2 में से आप R3 को घटा दो, R2 में से आप R3 को घटा दो, तो बताओ यहां मेरे को क्या लिखना पड़ेगा R2। एक सारणिक बनाओ, बना दी भाई सारणिक। R2 को चेंज करना है तो R1 और R3 सेम रहेंगे भाई। R1 क्या है? 0, Z, Y माइनस X, फिर है Y माइनस X। R2 को चेंज करना है, चेंज करो भाई, एक में से एक घटाओगे 0 आ गया, Z X माइनस एक्स वाई, जैसे ही आप X कॉमन ले लोगे तो Z माइनस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Z माइनस वाई, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस ये कट गया यानी Z माइनस वाई आ गया, ठीक है। बाकी R3 सेम रहेगी भाई, एक एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये समझ में आ गया होगा भाई। R2 को चेंज किया है R2 माइनस में R3। अब समझना, अभी से कह रहा है कि C1 इज इक्वल टू C3 से भी हो सकता है भाई। मैं ये फिक्स, मैं क्या कह रहा हूं कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिक्स नहीं है कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है ये स्टेप आप पहले कर दो, हो सकता है कि ये स्टेप बाद में कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आपका दिमाग चले, जैसा आपको अच्छा लगे। कि पहले जीरो लेके आ रहे हो, मैं डायरेक्ट आंसर भी ला सकता था, लेकिन मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं कि पहले जीरो लेके आओ, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। समझना सर कैसे? अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है देखो, आर वन R2 में से क्रमशः आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा भाई, क्या कॉमन? देखो y माइनस एक्स और जीरो के अंदर तो सब कुछ कॉमन होता है भाई, जीरो के अंदर तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो आप भाई, जैसे जीरो इंटू कुछ भी लिख दो तो भी तो जीरो ही रहेगा, y माइनस एक्स इसके अंदर भी है, y माइनस एक्स इसके अंदर भी है, जीरो के अंदर सब कुछ कॉमन होता है, तो R1 में से तो क्या कॉमन आ जाएगा? y माइनस एक्स, ठीक है। बताओ y माइनस एक्स हमारे पास था ही नहीं भाई, x माइनस वाई था, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप हो जाएगा ये तो सही। क्या दिखाई दे रहा है आपको? z माइनस वाई और जीरो में तो सर कॉमन होता ही है ना, तो इसका मतलब कि सर R1 में से तो y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, R2 के अंदर से z माइनस वाई उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेने पर यानी हम क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं भाई, जैसे ही कॉमन लोगे तो देखो y माइनस एक्स कॉमन आ गया, z माइनस वाई कॉमन आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सारणिक के अंदर एक पंक्ति के अंदर से कॉमन लिया जा सकता है, एक कॉलम के अंदर से कॉमन लिया जा सकता है, तो इस पंक्ति में y माइनस एक्स कॉमन आ रहा था, इस पंक्ति में z माइनस एक्स कॉमन आ रहा था, तो अंदर क्या बचा वो भी देख लेते हैं भाई। जीरो यहां से z, यहां से बच गया एक, जीरो यहां से बच गया x, यहां से बच गया एक, एक एक्स वाई
एक्स प्लस वाई। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉमन मैंने कैसे लिया है? अभिषेक सिंह यस सर। चलो भाई आ गई तो आगे देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, आराम से सीख जाओगे कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप खुद फटाफट बता दोगे कि सर किसमें से किसको घटाना चाहिए, आपको क्या फायदा होगा। गलती से आपने गलत स्टेप भी ले लिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए। बाकी एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ने घटाने से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इसको भी मैं मिटा देता हूं भाई। आप देखो हमारे पास क्या है, एक बार फिर से देखो कि सर एक में से एक घटाओगे तो सर यहां पे भी जीरो आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां पे मैं प्रसार कर सकता हूं, लेकिन सर एक में से एक घटाओगे तो फिर से जीरो आ रहा है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि सर R1 में से मैं R2 को घटा रहा हूं, तो आगे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? R1 लिखना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि R1 माइनस R2 करो, जो यहां पे है वही आप यहां लिख दो। बनाओ सारणिक, y माइनस x, y माइनस में x और दूसरा क्या है z माइनस में y, z माइनस y घटाओ भाई। जीरो में से जीरो घटाओगे तो ये लो भाई जीरो आ गया। z में से x घटाओगे तो z माइनस x आ गया। एक में से एक घटाओगे सर जीरो आ गया। बाकी r2 और r3 तो सेम ही तो रहेंगे भाई, यानी जीरो फिर x फिर वन, वन एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर लो भाई। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं कह रहा हूं कि जीरो लाने की कोशिश करो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। बस देखो अपने आप आंसर आ गए आपके, आपके पास है z माइनस वाई आपके पास है। अगर मैं बात करूं जीरो जीरो z माइनस एक्स, जीरो में सब कुछ कॉमन, इस जीरो के अंदर भी सब कुछ कॉमन लिया जा सकता है, और इसके अंदर से आपके पास z माइनस एक्स कॉमन पहले से ही आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं कि r1 में से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर। R1 के अंदर से देखो जीरो में सब कुछ कॉमन आता है, इस जीरो के अंदर भी सब कुछ कॉमन आता है, यहां से z माइनस एक्स कॉमन पे आ ही रहा है भाई, तो यहां पे z माइनस एक्स आपके पास और कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया? जीरो फिर एक फिर जीरो, जीरो फिर एक्स फिर एक, एक एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो अब इस सारणिक का कोई काम नहीं है, जैसे ही आप इस सारणिक का मान निकालोगे तो इस सारणिक का मान आएगा एक। इस सारणिक का मान क्या आएगा? एक। अब मैं आंसर लिख देता हूं, देखो x माइनस वाई था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड था वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स था जेड माइनस एक्स। बहुत सारे विद्यार्थी अभी देखो करेंगे सर ये कैसे आया एक। मैं देखो कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार कर रहा हूं, यहां लिख भी देता हूं, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर। आप कॉलम फर्स्ट के अनुसार करो के अनु या मत करो भाई, के अनुसार प्रसार करने पर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कॉलम फर्स्ट के अनुसार ही प्रसार करो, आप आर वन के अनुसार भी प्रसार कर सकते हो, आप कॉलम सेकंड के अनुसार भी प्रसार कर सकते हो, लेकिन मेरे को उपयुक्त लगा कि मैं कॉलम फर्स्ट के अनुसार ही प्रसार करूं। क्यों? इस अवयव के लिए करने की आवश्यकता नहीं, जीरो। इस अवयव के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, ए 11 ए 21 इसका मतलब माइनस जीरो। इसके लिए करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां वन है,
तो मैं कह सकता हूं कि सर प्लस वन, ए 31 होता है ना, तो 31 के लिए प्लस आएगा, एक सारणिक बनाओगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या बच गया, एक जीरो एक्स वन। एक बात अभी आपके समझ में नहीं आई है, वो मेरे को पता है कौन सी बात समझ में नहीं आई है। आप बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ने तो आंसर ही लिख दिए। देखो, जैसे इसका मान निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो एक माइनस जीरो, तो बताओ इसका मान एक आया कि नहीं आया, और एक गुणा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर। अब बहुत सारे विद्यार्थी के एक बात समझ में नहीं आई कि सर आपने यहां से सीधा आंसर लिख दिया, ये सर कैसे लिखा, यहां वाई माइनस एक्स था, आपने एक्स माइनस वाई कर दिया, सर कैसे लिखा। मेरे भाई, इसके अंदर से मैंने माइनस कॉमन लिया, जैसे दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स प्लस का हो गया, ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, एक माइनस। इसके अंदर से भी मैंने माइनस कॉमन लिया तो वाई तो हो गया प्लस का, जेड हो गया माइनस का, और ये दोनों माइनस माइनस आपस में टकरा कर क्या हो गया, प्लस हो गया, वो प्लस लगाने की आवश्यकता है। तो बताओ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका मान हो गया एक, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार फटाफट बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसको दो स्टेप में कंप्लीट कर देता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस तरीके से संक्रिया ऑपरेशन करना आप सीख जाओ। एक बार फटाफट बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अभिषेक आ गया, नवीन को भी आ गया, बाकी भाई अमन महेश, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये करना अपने आप सीख जाओगे। इस क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने क्या सिखाया कि कोशिश करो कि जीरो आ जाए, और अपने आप मैं जीरो लेके आया, अपने आप ही कॉमन आ रहे, अपने आप आंसर कॉमन आते जा रहे थे भाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। बस आप तो ये समझ लो कि भाई एक 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 आ जाए, आप कोशिश करो कि कहीं ना कहीं से जीरो आ जाए, जीरो आ गया मतलब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन आएगा निश्चित सिद्ध करने का, जो मैंने अभी आपको समझाया है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई, तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अभी टेंशन मत लो, बहुत सवाल करने वाले हैं हम इसी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सारणिक दी गई है, जीरो बी स्क्वायर ए, फिर है सी स्क्वायर ए, ए स्क्वायर बी, जीरो सी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी और जीरो। हमें कहा गया है कि इस सारणिक का मान, देखो हमसे सिद्ध नहीं करवा रहा, काफी बार एग्जामिनर क्या करता है कि ये क्वेश्चन देखे और इसके साथ आंसर और लिख देता है, और आंसर लिख के हमें क्या कहेगा कि भाई सिद्ध करके दिखाओ, यानी आपने आंसर नहीं दिए, काफी बार एग्जाम में आपको आंसर देगा और वो आपसे 100% सिद्ध करवाएगा भाई, ऐसे मान नहीं पूछेगा, इसका ऑलरेडी आंसर देके वो आपको कहेगा कि इसको सिद्ध करके दिखाओ। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू बता दो भाई, यानी इसका मान कितना आएगा, समझो भाई क्या आएगा मान। पहले तो देखो कि यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, डायरेक्ट यदि आपने प्रसार कर दिया तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और काफी बार तो आपके आंसर भी नहीं आएंगे। तो सर यहाँ क्या करना चाहिए हमें, तो ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर आपको ये करना चाहिए, समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जीरो है, ए स्क्वायर यहां पे भी है, ए स्क्वायर यहां पे भी है,
जीरो के अंदर सब कुछ कॉमन होता है, तो मैं कह सकता हूं कि सर C1 ये कॉलम ही तो है, कॉलम फर्स्ट के अंदर से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। इसमें ध्यान दो, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसके अंदर भी है, जीरो में सब कुछ कॉमन होता है। सर कॉलम सेकंड के अंदर से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, सी स्क्वायर इसमें भी है, सी स्क्वायर इसमें भी है, यहाँ जीरो में सब कुछ कॉमन पहले से ही होता है, सर कॉलम थर्ड में से आप सी स्क्वायर कॉमन ले लेना। तो बस पहली स्टेप समझ में आ गई कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में से क्रम से क्या कॉमन आ रहा है भाई, क्रम से इसलिए लिखा कि क्रम से C1 में से क्या कॉमन आएगा, C2 में से क्या आएगा। तो C1 में कॉलम फर्स्ट में से आ रहा है सर ए स्क्वायर, सर कॉलम सेकंड के अंदर से बी स्क्वायर, सर कॉलम थर्ड के अंदर से सी स्क्वायर। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको याद ही नहीं रहेगा कॉमन आएगा। काफी विद्यार्थी क्या करेंगे कि सर R1 में से A कॉमन ले लेंगे, R2 में से B कॉमन ले लेंगे, R3 में से C कॉमन ले लेंगे। भाई बिल्कुल ना, किसने मना किया, बिल्कुल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो। आपके दिमाग में आ गया कि जीरो में इसमें A है, इसमें A है, फिर कहोगे सर इसमें B है, इसमें B है, तो सर R1 में से A कॉमन ले लो, R2 में से B कॉमन ले लो, R3 में से C कॉमन ले लो, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ से A ही कॉमन आ रहा था, कॉलम में से मेरे को A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा, मैंने कॉलम में से ले लिया भाई, ठीक है। जैसे आपने कॉमन लिया, देखो कॉमन एक तो आया A स्क्वायर, एक कॉमन आया B स्क्वायर, एक कॉमन आया C स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा सर, जीरो, यहाँ से B, यहाँ से C, सर यहाँ से बच गया आपके पास A, जीरो, फिर C, सर यहाँ से बच गया A, फिर B, सर जीरो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थी गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। गलती पता है क्या करेंगे कि सर जीरो लेके आओ ना, फटाफट लेके आओ, यहाँ जीरो है, सर A में से A घटा दो, सर यहाँ जीरो आ रहा है, A में से A घटा दो, सर जीरो आ रहा है, मान लिया आपकी बात, लिखो सर कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटा दो। अरे A में से A घटाओगे तभी तो जीरो आएगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉलम इसके अंदर से ये घटाओ, बाकी आपने लिख दिया कि सर कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटा दो। क्या सर ऐसा लिख सकते हैं कि कॉलम थर्ड में से कॉलम सेकंड घटा दे, बिल्कुल लिख सकते हो, किसी ने मना नहीं किया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। तीर का निशान लगाओ और यहां है कॉलम सेकंड, यहां कौन सा है, सही से लिख देता हूं भाई, ये कॉलम सेकंड माइनस में कॉलम थर्ड, तो तीर का निशान लगा के यहां लिखोगे आप कॉलम सेकंड। चलो यहां कर देता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आपके पास ए स्क्वायर भार है, बी स्क्वायर भार है, सी स्क्वायर भार है, अंदर क्या करना है वो भी समझ लो आप। सर सेकंड कॉलम में से थर्ड को घटाना है, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम रहेंगे भाई, जीरो, बी, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया, और ए, फिर बी, और फिर ये थर्ड कॉलम हो गया। सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं हम, चेंज सिर्फ सेकंड को कर रहे हैं, सेकंड को करो भाई, ए में से ए को घटाओगे सर जीरो आ गया, जीरो माइनस बी करोगे सर माइनस बी आ गया, सी में से जीरो को घटाओगे सर सी आ गया, एक जीरो यहां आ गया, एक जीरो यहां आ गया, आर वन के अंदर से दो जीरो हैं, तो मैं सीधा लिख दूंगा कि R1 के अनुसार प्रसार करने पर, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, R1 के अनुसार हमें क्या करना है, प्रसार करना है, तो करो R1 के अनुसार प्रसार।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बाहर जीरो, मैं इसीलिए आर वन के अनुसार प्रसार कर रहा हूँ। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर बाहर जीरो, इसके लिए आवश्यकता है। पहले आपको पता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ए एक सारणिक बनाओगे, इसको छोड़ दो, ये इसकी पंक्ति हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, बाकी क्या आ गया बी फिर माइनस बी सी और सी। करो भाई सोल्व इसको। और यदि आपने ध्यान दिया हो, अगर आप प्रसार नहीं करते हो तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर R1 में से A कॉमन ले लो, R2 में से B कॉमन ले लो, R3 में से C कॉमन ले लो, ऐसा कर सकते थे भाई। मैंने प्रसार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, तो ये क्या हो गया बी सी, और फिर प्लस में इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बी सी, क्योंकि बीच में माइनस आता है भाई, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी सी, और माइनस माइनस प्लस बी सी हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर देखो बी सी और प्लस बी सी, टू बी सी, टू बी सी का गुणा ऐसे करोगे तो टू ए बी सी, या मैं कह सकता हूँ कि सर जो हमारा आंसर आया, एक तो आया टू ए क्यूब बी क्यूब, अरे मल्टीप्लाई में है भाई, एक का ए स्क्वायर से ए क्यूब, बी स्क्वायर का बी से बी क्यूब, सी स्क्वायर का सी से सी क्यूब, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया भाई। एग्जाम में क्या करता वो एग्जामिनर, क्या करता कि ये क्वेश्चन देख के इसके आगे लिख देता कि टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। तो सिद्ध करके इस तरीके से करोगे, कॉमन दिखाई दे रहा है कॉमन लो, जीरो आपसे आ रहा है जीरो लो, नहीं आ रहा है प्रसार करो आंसर आ जाएगा। बताओ भाई फटाफट समझ में आया कि नहीं आया। बताओ एक बार फटाफट भाई, एक बार आप क्या करना है कि घर पे जाके जो मैंने दो सवाल बताए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इन दोनों को आप करने की कोशिश करना भाई। जब इन दोनों को करने की कोशिश करोगे तो आपके पास, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो, आप तो कोशिश करना कि क्या आपके पास कॉमन आ रहा है, कौन सा अवयव कॉमन नहीं आ रहा है, किसमें से क्या घटाने पर क्या नया आ रहा है। यानी आप करोगे प्रैक्टिस 2-3 बार, अपने आप खुद पता लग जाएगा कि सर किस में से तो कॉमन लेना चाहिए, किस में घटाना चाहिए। बस आप तो इतना हिंट रखो कि एक तो जीरो लाने की कोशिश करो या फिर आंसर लाने की कोशिश करो, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लाने की कोशिश करो बस। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमारे पास टाइम इतना है नहीं, 10:02 हो गई है भाई, तो 10:15 से पहले आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए हम यहीं पे हमारी सभा को समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को भाई समझ में आया होगा, है ना। जिसको नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लें, है ना। बस 1-2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज में से, कि सर एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में घटाने से जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक पंक्ति में से कॉमन आ सकता है, एक कॉलम में से भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। दो पंक्ति को आपस में जोड़ दो चाहे घटा दो, जो आपकी डिटरमाइनेंट है सारणिक है उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था कि आपको ये क्वेश्चन देके बराबर में उसने आंसर लिख दिया और कहा कि भाई सिद्ध कीजिए, इसको लेके चलोगे सोल्व करोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां से इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते थे, सर कैसे, देखो जीरो में कॉमन होता है, जीरो में कॉमन होता है, ए आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां लिख सकते थे
R1 में से A को माना जाएगा, B इसमें भी B इसमें भी B, R2 में से B को मान लेने पर, R3 में से C को मान लेने पर, तो A B C को माना जाता। फिर इस सारणिक का जैसे ही मान निकालोगे तो उसका मान फिर 2 आ जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।